नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ग्लास प्रोफाइल की कलम काटने का जो अड्डा होता है वो बनाकर दिखाएंगे। आप इस अड्डे की मदद से कलम काटकर जो प्रोफाइल का पल्ला होता है उसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अड्डा बनाने के लिए हमारे पास 19 mm प्लाई है जिसका साइज़ 30 इंच बाई 18 इंच है, और इसके ऊपर लगाने के लिए हमारे पास 4 इंच चौड़ाई की एक प्लाई पड़ी है जिसको हम लंबाई के अंदर 2 फीट काट लेंगे, 24 इंच या 26 इंच। प्लाई को आप 24 इंच से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी काट सकते हैं, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। आपके पास 5 इंच है या 6 इंच है या 7 इंच भी है तो भी ये चलेगी इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इसे काटने के बाद हम ड्रिल से इसके अंदर होल निकालेंगे। आपने इसके अंदर 4 होल निकाल लेने हैं। अगर आपके पास 24 इंच से ज़्यादा लंबाई की प्लाई है तो आप इसके अंदर 5 होल भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि 24 इंच है तो हमने इसके अंदर 4 होल निकाल लिए हैं। होल निकालने के बाद आपने इसके अंदर जो होल है वो गुर्जिश कर लेने हैं होल को, ताकि जो हम इसके अंदर स्क्रू लगाएंगे वो बाहर नहीं रहेंगे और प्लाई के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। ये काम करने के बाद हमें आपने इसका प्लाई का सेंटर निकाल लेना है जो हमारे पास चौड़ी प्लाई पड़ी है, और इस प्लाई को हमने सेंटर के अंदर इसको फिक्स कर देना है स्क्रू के ज़रिए। स्क्रू लगाने के लिए हमने ये 1/4 इंच जो स्क्रू है वो यूज़ कर रहे हैं हम। तो आपने इसके जो चारों स्क्रू है वो अच्छी तरीके से टाइट कर देने हैं। प्लाई को पक्का करने के बाद में हमने इसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, कलम काटने के लिए एंगल बनाएंगे। सबसे पहले हमने गुनिये के अंदर इसका एक निशान खींच लेना है, और जो प्लाई की जितनी चौड़ाई है उसको इस तरीके से दूसरी तरफ निशान लगा कर इसे भी गुनिये के अंदर निशान खींच लेना है। ये काम करने के बाद में हम एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर पर निशान लगा देंगे, और अब हमें एक फट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। 19 mm प्लाई की होनी चाहिए ये भी, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 3 इंच है। अगर आपके पास ये फट्टी कोई है तो 4 इंच भी चलेगी, 2 इंच भी चलेगी। तो हम ये 3 इंच की फट्टी को इस तरीके से, जो हमने क्रॉस निशान लगाया था 4 इंच की फट्टी के ऊपर, इस तरीके से रख कर इसके अंदर हम 3 होल निकालेंगे। ये जो 3 होल है हमने 4 इंच की जो प्लाई है उसके बिल्कुल ऊपर निशान लगाए हैं, ताकि जो हम स्क्रू लगाएंगे वो 4 इंच की जो फट्टी है उसके अंदर चले जाएं। तो इसे पक्का करने के लिए हम 2 इंच की जो स्क्रू है वो यूज़ करेंगे। इस फट्टी को आपने अच्छे तरीके से इसे टाइट कर लेना है, ताकि जब भी आप इसकी कलम काटें तो ये हिले नहीं। अगर हिलेगी तो आपकी जो कलम है वो अच्छे तरीके से नहीं कट पाएगी। ये काम कर लेने के बाद में आपने कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटर से इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद में आपका जो अड्डा है वो तैयार हो चुका है। तो हम एक प्लाई को काट कर देखेंगे कि ये बिल्कुल गुनिये में करती हुई है या नहीं। अगर ये गुनिये के अंदर फ़र्क डालती है तो आप इसे जो इसके जो स्क्रू हैं 2 इंच के वो लूज़ करके आप इसे सेट भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो हमारी ये जो प्लाई है, हमने जो कटिंग की है, वह बिल्कुल गुनिये के अंदर है। तो हम आपको एक जो प्रोफाइल का पीस है उसकी कटिंग कर आपको दिखाएंगे। आप इस अड्डे की मदद से किसी भी प्लाई की कटिंग कर सकते हैं, किसी भी प्लाई की गुनिये में कटिंग कर सकते हैं। चाहे आप चुगाट के लिए जो कवर मोल्डिंग होती है, किसी भी तरह की मोल्डिंग हो, चाहे गोला हो, आप उसको कलम इसकी मदद से काट सकते हैं। ये हमने जो बड़ी प्लाई का यूज़ किया है इसीलिए यूज़ किया है, ताकि जब हम प्रोफाइल की कटिंग करते हैं तो जो उसकी ग्रिप है वो अच्छे तरीके से बनी रहे, वो हिले नहीं। क्योंकि अगर जब आप इसकी कटिंग करने के लिए, अड्डा बनाने के लिए छोटे पीस का यूज़ करते हैं, छोटी प्लाई का यूज़ करते हैं, तो वो
जो आपका प्रोफाइल का पीस है वो हिलता रहता है और अच्छे तरीके से कटिंग आप उसकी नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या है कि जो आपकी प्रोफाइल की जब आप कलम मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से नहीं मिलती है। इसीलिए हमने इस बड़ी प्लाई का यूज़ किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।